चलिए, वेट ओवर हो गया, वेट ओवर हो गया और रिजल्ट आ गया। आप सामने देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग के 6 रैंक हैं। आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 पर है, रैंक 2 पर है अनिमेश प्रधान और रैंक 3 पे है डोनरू अनन्या रेड्डी। पीके सिद्धार्थ रामकुमार जो है उनकी रैंक 4th पोजीशन आई है यूपीएससी के रिजल्ट में और रैंक 5th पे है रूहानी और रैंक 6th पे है सृष्टि दबास। ये हैं आदित्य श्रीवास्तव जी, इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अवर एजुकेशन की टीम की तरफ से। आदित्य श्रीवास्तव जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में इनका रैंक 1 आया है। आप और भी दूसरे रैंक देख सकते हैं, टॉप 20 रैंक जो है उनका नाम आपके सामने है और यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप पूरा अपना रोल नंबर भी चेक कर सकते हैं। गाइज मतलब जिस तरीके से रिजल्ट परिणाम आए हैं, काफी इंतजार करवाया इस बार तो, लेकिन चलिए आगे और बहुत अच्छा हुआ। कई लोग, कई ऐसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स थे अवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो कह रहे थे कि पता नहीं मैम होगा कि नहीं होगा। काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश हैं अपने रिजल्ट से। और आदित्य श्रीवास्तव जी की बात करें तो इन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना ग्रेजुएशन किया है। 2017 से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इस साल उनको सफलता मिल गई। कहते हैं ना, करत अभ्यास के चरमति हो तो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और इसके बीच आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि प्लूटस आईएएस की बात करें तो प्लूटस आईएएस से गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं। प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको पता है, वैसे भी प्लूटस आईएएस जो है रैंक 1 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और आप देखें तो 1016 कैंडिडेट ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। ये जम्मू एंड कश्मीर की अनमोल जो है वो गर्ल में यूपीएससी में टॉप में रही हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।